सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज कल पूरा दिन मौसम सही नहीं था तो इसीलिए मैं बाइक टैक्सी में काम करने के लिए नहीं गया और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, तो आज बारिश होने की संभावना नहीं है तो सोचा कि चलो आज ऊबर में काम कर लेता हूँ। तो आज मैं ऊबर के साथ काम कर रहा हूँ और जब मैं घर पर था ना तो तभी मैं लॉगिन कर लिया था और आज का पहला राइड मुझे ऊबर से मिल गया है जिसको मैं अभी पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ। और गाइज अभी टाइम ना 11:20 हो रहा है और आज मैं पार्ट टाइम ही काम करूँगा तो देखता हूँ कि पार्ट टाइम में कितना घंटे काम करके कितना अर्निंग होता है ऊबर में, ठीक है। और अगर आप लोग ऊबर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ तो उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को पूरा वॉच कर लेना और उसके बाद आप एक बार में ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप ऊबर ज्वाइन करके काम करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देखो और ज्वाइन करो। आपने बुकिंग किया था क्या? 7221 अच्छा 7121 हाँ ठीक है 7121। तो गाइज आज का पहला राइड मैंने ऊबर से पिकअप कर लिया है तो इसको मैं अभी ड्रॉप करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो ड्रॉप कर देता हूँ उसके बाद आज मैं आपको दिखाता हूँ कि आज मैं पार्ट टाइम काम करके कितना अर्निंग करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो स्किप मत करना, पूरा फुल वॉच करना और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट कर दिया करो, ठीक है। तो देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरता है। ऊबर में फिर से एक राइड आ गई, ये कहाँ का है? ये सेक्टर 34 का है। 35 रुपये हुए, 35 रुपये। जी थैंक यू। तो गाइज आज का पहला राइड तो मैंने कंप्लीट कर दिया और इस कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पर पहुंचा ही था और राइड कंप्लीट भी नहीं किया था तभी मेरे पास एक ऊबर में बुकिंग आ गया। तो यार ऊबर का मुझे ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा, जिस लोकेशन पर हम राइड को कंप्लीट करने के लिए जाते हैं और उस लोकेशन के आसपास का कोई राइड आने वाला रहता है ना तो उसी राइडर को मिलता है जो जिस लोकेशन पर उस राइड को कंप्लीट करने के लिए जाता है। तो ये सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे कि अभी मुझे थोड़ा सा भी वेट नहीं करना पड़ा, मैंने राइड कंप्लीट भी नहीं किया था और मेरे पास राइड ऑटोमेटिक आ गया तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी मैं दूसरा राइड को पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ और ये है 34 सेक्टर से, तो अभी पिकअप करके इसको 34 सेक्टर ड्रॉप करना होगा मुझे। तो चल के जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं। और भाई आज धूप बहुत तेज़ है और गर्मी इतना ज़्यादा लग रहा है ना, कल बारिश हुआ था तो यार मौसम थोड़ा ठंडा होना चाहिए लेकिन कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो गया। और गाइज आप लोग पूछते हो कि एक साथ में हम ओला उबर रैपिडो तीनों ऐप चला सकते हैं क्या, तो हाँ बिल्कुल चला सकते हो। आज मैं सिर्फ उबर में काम कर रहा हूँ तो कल मैं उबर या फिर ओला या फिर रैपिडो ओला में काम करूँगा, ठीक है। तो आपको एक बार में 2-3 ऐप के साथ काम करके बताऊँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिसको नहीं पता, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उसके लिए मतलब बड़ी बात हो सकती है समझना, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा कल काम करके। तो अभी जो मैं दूसरा राइड को पिकअप करने के लिए आया हूँ ना तो मैं उसके पिकअप लोकेशन पर पहुँच ही गया हूँ, बस यहाँ से बगल में ही है तो चल के पिकअप कर लेते हैं। हेलो हेलो सर, मैं ऊबर से बात कर रहा हूँ, आपने बाइक बुक किया था ना? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ पे खड़े हो? जहाँ से मार्केट में एंट्री करते हैं ना वहीं पर रोड के बाहर हूँ मैं। जंगल देखो, पार्किंग में आ जाओ, मोमबत्ती कर लेता हूँ। पार्किंग में ना, ठीक है मैं आ रहा हूँ, बस होल्ड पे ही रहना। ठीक है ठीक, ओके ओके। हाँ जी ऊबर। हाँ जी हाँ हाँ ऊबर। कुछ सामान देना है क्या आपको? हाँ कितना बताया OTP? 5255। ठीक है हाँ हाँ। थ्री पॉइंट 9 किलोमीटर, तो ये 4 किलोमीटर का राइड है और मेरे साथ वो भाई आ रहा है अभी। आ जाओ जल्दी आ जाओ। क्या इसमें समोसा? समोसा नहीं, बर्गर वगैरह है। अच्छा
कौन सा मॉल? अच्छा, डेली जाता होगा? अच्छा, अभी जो मेरे पीछे भाई बैठा हुआ है तो उसके पेटी में बर्गर है, तो 34 सेक्टर में कोई मॉल है तो उसी में उसका ऑर्डर जाता है डेली का, तो अभी उसी को ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड। वापसी भी जाओगे क्या? तो मेरे साथ ही जाओगे या बाद में? आपको टाइम लगेगा? हाँ हाँ आपको टाइम लगेगा, मैं बता देता हूँ। अब 41, 41, 41 रुपये हुआ, 41। हाँ ठीक है। तो गाइज अभी जो मैंने राइड को कंप्लीट किया ना, तो उसके बाद मेरे पास एक राइड आया था, वो पता है कितने रुपए का था? मात्र 16 रुपए का। आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट। तो यार मतलब रेट देख कर ही ना, अब क्या बोलूँ आपको। फिर मैंने उस राइड को एक्सेप्ट भी नहीं किया, वो अपने आप ही स्किप हो गया। और उसके बाद लगभग 10-15 मिनट के बाद मेरे पास राइड आया, वो 16 रुपए वाली राइड को स्किप करने के बाद ना, 10-15 मिनट के बाद मेरे पास राइड आया, तो उसी को मैं पिकअप करने के लिए आया हूँ, जो कि मैं कस्टमर के पिकअप लोकेशन के पास पहुँच भी गया हूँ। अच्छा, आपने बुकिंग की था क्या? हेलो, हेलमेट कोड बताना। 82। चले बैठो। हाँ तो गाइज आज का मैंने तीसरा राइड भी पिकअप कर लिया। और गाइज आज का मौसम कुछ ऐसा होने लगा अभी के टाइम, पहले तो धूप निकल रहा था और अभी कुछ देर से कभी बादल छा जा रहा है और कभी धूप निकल जा रहा, तो यार कुछ कह नहीं सकते, क्या पता बारिश ना हो जाए। अगर बारिश हो जाएगा तो सारा सत्यानाश हो जाएगा, फिर मैं काम भी नहीं कर पाऊँगा, मुझे ऑफ ड्यूटी करना पड़ेगा। यही है हॉस्पिटल क्या? लोकेशन तो यहीं का बता रहा है, यही है, एम्बुलेंस वगैरह भी खड़ी है। चलो आपको हॉस्पिटल के गेट पर छोड़ देता हूँ, ये देखो। हाँ यही है। यार 200 का कहाँ होगा मेरे पास चेंज? 200 रुपये का कहाँ होगा? कहाँ जाएंगे आप जी? हेलमेट लगा लीजिए, लेकिन चलान कर देंगे ना, चलान का इश्यू है, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं। थर्टी टू। हाँ जी, हाँ जी जी, थैंक यू। आपका नाम ऊबर से बुक है? हाँ जी, कौन जी? ओटीपी बताइए। सॉरी यार, 4344। ऑफिस वाले आने नहीं देते, सुबह से चीख रही, जाना मुझे, जाना फिर नहीं जाने देते। हेलमेट लगा लेना। कहाँ जाओगे? जो मोहाली में। अच्छा ठीक है, यहीं पे उतरोगे? यहीं पे? अच्छा 54 हुए जी, इस पे कर दीजिए, धूप में लेगा भी नहीं। नहीं ले रहे ना? नंबर देता हूँ, लिखे नंबर, धूप में नहीं लेगा इतना। 9 4 9 7 2 9। हाँ 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 जी, थैंक यू। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। उबर से बुकिंग आया हुआ राइड, बाइक बुक किया किसी ने? मैं बोल रहा हूँ किसी ने बाइक बुक किया था, उसी का वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। आपने किया था ना? ओटीपी पिन होगा ना उसका? हाँ हाँ ठीक। भाई,
ये हेलमेट लगा लीजिए। इधर से भी जा सकते हैं ना, देख लेता हूँ इधर कितना पानी है। हाँ घूम लेते हैं। बारिश हुआ था ना कल। ओ पेमेंट तो मैडम ने ऑनलाइन कर दिया होगा। अच्छा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाइए। हाँ कर दिया, ठीक है। हेलो मैडम, आपने बाइक बुक किया था ना, उबर से बात कर रहा हूँ मैं। हाँ कहाँ पे हो, मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। भैया मैंने मैंने बुकिंग की थी ना, तो उन्होंने कहा मैंने राइड कैंसिल कर दी है। किस... वो कहते मेरा बाइक खराब हो गया, तो फिर मैं तो वहाँ से आ गई। हाँ लेकिन तो मेरे पास आपका बुकिंग आया था ना, तभी तो मैं आपको लेने के लिए आया। भैया नहीं, मैंने सेकंड बुकिंग तो कोई की नहीं, वो वाली कैंसिल कर दी थी, उन्होंने ही कैंसिल कर दी थी। नहीं उसने कैंसिल नहीं किया, उसने ट्रांसफर कर दिया, किसी दूसरे राइडर को दे दिया होगा ना, तभी मेरे पास आ गया। तो मैंने उसको बोला था कैंसिल कर दो, फिर मेरे को नहीं कर रही। हाँ तो उसने किया नहीं कैंसिल। वो कहते मेरा बाइक खराब हो गया, मैंने कहा फिर कैंसिल कर दो, फिर मैं क्या करूँ, मैं वहाँ से चली गई फिर। अच्छा मतलब अब भैया आपको भी परेशान किया, पर इस टाइम पे अब मेरे पास तो मैं तो आ गई हूँ वहाँ से। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। हाँ हाँ ठीक है, हाँ इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन वो जो बाइक वाला था ना उसकी गलती है, उसको कैंसिल कर देना चाहिए राइड। उन्होंने बोला कॉल पे कैंसिल ही है, मैंने कहा कैंसिल कर दो, कहते ठीक है मैं कैंसिल कर देता हूँ, और मुझे उन्होंने बताते ट्रांसफर किया तो फिर मैं वेट कर लेती। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से वापिस चले जाता हूँ। ठीक है ओके भैया। ओके तो गाइज कुछ देर पहले मैंने एक राइड एक्सेप्ट किया था, और उसके पिकअप लोकेशन पर पहुंचने के बाद मुझे कहीं कोई आदमी दिख नहीं रहा था, तो फिर मैंने कॉल किया तो मैडम ने उठाया, तो उसने बोला मैंने बाइक बुक किया तो था, लेकिन उस लड़के ने बोला कि मेरा बाइक ख़राब है, मैं आपके पास नहीं आ पाऊँगा। तो मैडम ने बोली कि आप राइड कैंसिल कर दो, तो उस लड़के ने बोला कि राइड मैंने कैंसिल कर दिया, तो मैडम वहाँ से चली गई। जैसे उसको बोला कि मैंने आपका राइड कैंसिल कर दिया, तो मैडम वहाँ से चली गई, लेकिन उस लड़के ने ना राइड कैंसिल नहीं किया था। तो उबर में एक अभी नया फीचर दिया है कि अगर आपके पास राइड आता है और आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उस राइड को कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप कैंसिल मत करो, आप किसी और को भी हैंड ओवर कर सकते हैं। तो उसने ऐसा ही कर दिया, उसको राइड को कैंसिल करना चाहिए था ना, जब लड़की बोल दिया कि मुझे नहीं जाना है तो उसको कैंसिल कर देना चाहिए राइड, तो उसने कैंसिल किया नहीं, तो मेरे पास आ गया उसका राइड। और मेरे पास आया तो मुझे क्या पता कि ये सब होने वाला था, तो फिर मैं डायरेक्ट कस्टमर के पिकअप लोकेशन के पास पहुँच गया, और जब कॉल किया तो आपने सुना ही कि क्या उसने बोला, और उसके बाद मुझे एक दूसरा राइड मिला था यहाँ से। अरे ये भी कैंसिल हो गया क्या। और अभी मैं माई रूट बुक लगा दिया हूँ, और यहाँ से मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़ की तरफ, जाते जाते कोई रास्ता में राइड मिल गया तो ठीक है। अभी एक आया था, ओ फिर से आ गया, चलो इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो गाइज अच्छा हुआ कि मेरे को चंडीगढ़ की राइड मिल गया, और इस राइड को कंप्लीट करने के बाद मैं ऑफ ड्यूटी कर दूंगा, और मैं आपको अर्निंग दिखाऊंगा कि आज मैंने कितना घंटा काम करके कितना अर्निंग किया। हाँ मैं घूम के आता तो ज़्यादा ही टाइम लगता है, इसलिए मैं सोचा कि रॉन्ग साइड ही शॉर्टकट ले लेता हूँ। आप OTP बता दीजिए। 2916। तो गाइस चंडीगढ़ की राइड मैंने पिकअप कर लिया है, तो अच्छा हुआ कि यार मेरे को चंडीगढ़ की राइड मिल गया। ठीक है तो इस राइड को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इस राइड पर मुझे कितना पैसा मिला, और आज मैंने कितना घंटा काम करके कितना अर्निंग किया। ठीक है तो इसको राइड को कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से।
7279 राहुल नाम आया होगा। राहुल कुमार ठीक है। ब्लॉक करते हो क्या? हाँ जी। चैनल का नाम क्या है? राहुल ब्लॉक्स BR04। चलो कोई नहीं, यही एनसी में ना। हाँ जी, राहुल ब्लॉग BR04। हाँ जी जी जी, थैंक यू। तो गाइज लास्ट वाला राइड भी मैंने कंप्लीट कर दिया और मैं हूँ अभी 43 के बस स्टैंड के फ्रंट साइड हूँ, ठीक है। तो यहीं पर ज़्यादातर चलान के लिए ऑटो वाले, कैब वाले, बाइक ड्राइवर को या बाइक टैक्सी वाले को परेशान करते हैं, ठीक है। तो अभी तो मेरे हेलमेट में कैमरा लगा हुआ, तो अभी कोई कुछ बोलेगा नहीं वैसे। एक मेरे पीछे अभी एक ऑटो वाला मेरे को घूर घूर के देख रहा है। तो चलो गाइज, आज का लास्ट वाला राइड तो मैंने ड्रॉप कर दिया। तो अब मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको अर्निंग दिखाता हूँ कि आज मैंने कितना अर्निंग किया, ठीक है। तो बस स्टैंड से थोड़ा सा साइड में हो लेता हूँ। तो गाइज अभी टाइम शाम के 5:30 बजने वाला है और आज मैंने दिन में 11:30 बजे के आसपास लॉगिन किया था। तो टोटल 6 घंटे के आसपास हो गया मुझे काम करते हुए और 6 घंटे में आज मैंने 755 रुपया अर्निंग किया, जो कि आप स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। और आज मेरी बाइक 87 किलोमीटर चली और अभी मैं यहाँ से घर जा रहा हूँ तो 3-4 किलोमीटर मुझे ऐसे खाली चला कर जाना पड़ रहा, तो आप 90 किलोमीटर समझ लो, ठीक है। तो आज मैंने 6 घंटा में 755 रुपया अर्निंग किया और 90 किलोमीटर बाइक चली। तो आप लोग अंदाज़ा लगाओ कि यार 90 किलोमीटर बाइक चला के कितना मतलब पेट्रोल खर्चा हुआ होगा। मेरा बाइक 50 किलोमीटर के आसपास एवरेज देता है, तो आपका बाइक कितना एवरेज देता है? अगर आपका बाइक जितना ज़्यादा एवरेज देगा उतना ज़्यादा बचत होगा, अगर आपकी बाइक बहुत कम एवरेज देती है तो फिर आपको बहुत कम बचत होगा, ठीक है। अगर आप लोग स्विगी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं आपको रेफ़र कर दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मैं मिलूँगा आपको फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।